नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैद्य जगदीप। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को फैटी लीवर है। हम बहुत साधारण बात करते हैं कि जिन लोगों को फैटी लीवर है, बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर पहली दूसरी स्टेज पर भी चला जाता है, SGOT PT बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते आदमी। दोस्तों, जो लोग फैटी लीवर के शिकार हुए हैं और जिन लोगों को ये शिकार होके धीरे धीरे लीवर सोराइसिस तक जो गए, कभी आप उन लोगों से मिलके देखें उनकी ज़िंदगी पे अकेले फैटी लीवर का क्या इफ़ेक्ट हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, फैटी लीवर आपके अंदर SGOT PT बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके अंदर जलन रहना शुरू करती है, बर्निंग होना शुरू होती है, खट्टे मीठे ढकार रहते हैं, भूख कम हो जाती है और आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। जिन लोगों के अंदर हीट बढ़ती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते। सुबह खाना खाया, दोपहर को खाने की भूख नहीं लग रही, ये भी पहली निशानी है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये दूसरी निशानी है। शरीर में धीरे धीरे खारिश हो रही है, ये तीसरी निशानी है। एक ही जगह पर बैठ के खाना खाना, बाहर ना जाना, पेट में से हवा ना सरने, खट्टे डकार आने, छाती पर जलन होनी, आपका खाना खाया हुआ आपके मुंह में आना दोबारा, इसके अलावा हर वक्त आपके मुंह के अंदर लार आनी, रात को सोते समय साइड से पानी का आना, और इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं जो फैटी लीवर के निशानियां बताते हैं। आपने सुबह खाना खाया और शाम तक वही खाना आपको हजम नहीं आ रहा, उसका एंजाइम नहीं बन पा रहा। जब आपकी बॉडी एंजाइम नहीं बनाती तो वो कैसे अर्क बनेगा, कैसे आपकी बॉडी को जाकर तंदुरुस्त एंजाइम देगा। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें गौर नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी के अंदर लीवर सोराइसिस पैदा कर देता है। और इसका मेन सबसे बड़ा कारण एक और है, जो लोग शराब पीते हैं, रात को सोने के टाइम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, जैसे दालें खा रहे हैं हम, छिलके वाली दालें, सब्जी खाने के लिए, सब्जी खाने के बाद एक घंटे में सब्जी हजम हो जाती है, लेकिन दाल को हजम करने के लिए 10 घंटे लगते हैं। रात को 9 बजे जो आप प्रोटीन की मात्रा ले रहे हैं, 2 घंटे बाद आप सो रहे हैं, सारे ऑर्गन्स आपके सो जाते हैं रात को, तो फिर कैसे बॉडी वो प्रोटीन को हजम कर पाएगी और कैसे आपकी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। बहुत सारे लोग रात को प्रोटीन ले रहे हैं और सुबह वेट 2 से 3 किलो बढ़ रहा है उन लोगों का, पेट आपने देखें कितने बड़े बड़े पेट हैं लोगों के, लेकिन डाइट हम ठीक नहीं कर रहे, गोलगप्पे, चाट, टिक्की, पकौड़े और पता नहीं क्या कुछ हम खा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका लीवर अगर ठीक नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें आप पचा सकेंगे? आज हजारों औरतों के अंदर पेट के अंदर जलन हो रही है, वो जलन कॉन्स्टिपेशन बना रही है, जो टॉयलेट आपको नहीं आती, गंदी गैस जो चढ़ रही है उससे सर्वाइकल माइग्रेन, सिर में जलन, तेजाब बन रहा है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि साड़ पड़ रहा है। अगर आपका लीवर ठीक नहीं होगा, कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो वो आपको शरीर को नहीं लगेगी। हजारों लोग डाइट तो खा रहे हैं लेकिन उनके शरीर पर 1% भी डाइट का असर नहीं देखा गया है। कैसे हम हमारे शरीर को ठीक रख सकते हैं? सबसे पहले फैटी लीवर आपका ठीक करके, प्रॉपर एंजाइम कैसे हैं, जिन लोगों के अंदर ज़्यादा जलन है वो शाम को 3 चपाती खाते हैं तो 1 चपाती खाएं और कम से कम 250 ग्राम से लेकर 0.5 किलो सलाद की मात्रा खाएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं और सारे दिन के अंदर 3 से लेकर 4 लीटर पानी पिएं। आधा आधा ग्लास करके पानी जब आप पीते हैं तो वो भी आपके फैटी लीवर को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा जो लोग सारे दिन के अंदर पानी 1 से 2 ग्लास पीते हैं, उनको फैटी लीवर होना और कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए, एसिडिक ख़त्म करने के लिए, अल्कालाइन करने के लिए पानी का बहुत बड़ा प्रयोग है। अब आप सोच के देखें, जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, वो पानी आपके अंदर होल्ड होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर फालतू जाती है, पानी उनको बाहर निकाल देता है, वो यूरिन में से निकल जाती हैं। लेकिन अगर जो पानी नहीं पीते तो उन लोगों के क्या लगता है आपको कि वो सारी चीज़ें अंदर से बाहर निकालने के लिए कोई और काम हो सकता है? इसलिए जिन लोगों को लीवर, और सबसे बड़ी बात मैं आपको और बतानी चाहता हूँ, जिन लोगों को फैटी लीवर है, जिनके अंदर हीट बढ़ रही है, उनके अंदर सबसे बड़ी ग्रस्ती ज़िंदगी में प्रॉब्लम है कि उनकी टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाती है।
प्री मच्योर की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और ड्रॉपिंग आना शुरू हो जाती है क्योंकि हीट आपके अंदर इतनी बढ़ जाती है। जिन लोगों को लीवर की किसी भी तरह की प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे हमारे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं। जो लोग फैटी लीवर के शिकार हो सकते हैं, अपनी ग्रस्ती ज़िंदगी से परेशान हैं, वो लोग हमारे दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।